गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फुटबॉल, इस छोटे से फुटबॉल अपडेट वीडियो में मैं आप लोगों को माल्टी और कांके चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले माल्टी ग्राउंड से अपडेट देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। तो माल्टी ग्राउंड में आज 3 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच वहाँ पर खेला जाएगा, कल एक जो सेमी क्वार्टर फाइनल मैच होना था रांची टाइगर बी और मारांगपुर एफसी के बीच में, वो नहीं हो पाया था, शाम हो गई थी, जिसके चलते वो मैच आज के पोस्टपोन किया गया था। तो आज जो पहले मैच वहां पर खेला जाएगा मारांगपुर एफसी और रांची टाइगर बी की बी से। रांची टाइगर बी की बात की जाए तो रांची टाइगर पहले मैच में वहां पर जो टीम थी टांगाटोली एफसी, उसको 2-0 से हराई है। तो वहीं दूसरी ओर मारांगपुर एफसी टाई ब्रेकर में रेमन एफसी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो ये था वहां का पहला मैच, और वहां का दूसरा मैच अगर खेला जाएगा यानी फर्स्ट सेमीफाइनल वहां पर खेला जाएगा रांची टाइगर ए और बांधगाड़ी एफसी के बीच में। रांची टाइगर ए की बात की जाए तो कवाली को हराई है क्वार्टर फाइनल में टाई ब्रेकर में। तो वहीं बांधगाड़ी एफसी की बात की जाए तो बांधगाड़ी एफसी दीपक बदस्य यानी गुमला एफसी की टीम को हराकर सेमीफाइनल पहुंची है। वहाँ दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा आप लोग का सापारोम एफसी और रांची टाइगर बी और मारांगपुर एफसी में, जो टीम जीतेगी उसके साथ। और सापारोम एफसी की बात की जाए तो सापारोम एफसी पहले दिन अमित बरदस की टीम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल पहुंची थी। तो ये था माल्टी ग्राउंड का अपडेट। अब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कांके चैंपियंस ट्रॉफी का अपडेट। तो कांके चैंपियंस ट्रॉफी कल से स्टार्ट हो गया, जिसका इनामी राशि है, पहला है आपका 2,51,000 रुपया, दूसरा आपका 1,71,000 रुपया, और चौथा जो तीसरा टीम बनेगा उनको मिलेगा 51,51,000 रुपया। तो कल वहां पर 2 मैच खेले गए थे। पहला मैच खेला गया था बीपीएसएस दुबलिया और राजा स्पोर्ट बरियातू के बीच में। राजा स्पोर्ट बरियातू की ओर से तोहित का हैट्रिक गोल आया था, जिसकी बदौलत राजा स्पोर्ट बरियातू ने कल पहले मुकाबले में बीपीएसएस दुबलिया को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल पहुंची है कांगे चैंपियंस ट्रॉफी का। तो वहीं दूसरा मैच खेला गया था निर्मल ब्रदर्स कोंगे और चारी हुजीर एफसी के बीच में, जहां पर चारी हुजीर एफसी ने निर्मल ब्रदर्स कोंगे की टीम को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज वहां पर 2 मैच खेले जाने थे। पहला मैच वहां पर खेला जाना था एरिक ब्रदर्स पतरातू वर्सेस बांधगाड़ी एफसी, लेकिन बांधगाड़ी एफसी का आज माल्टी में भी सेमीफाइनल मैच है, जिसके चलते जो बांधगाड़ी एफसी है और एरिक ब्रदर्स जो पतरातू की टीम है, उसका जो मुकाबला होना वाला था कांके चैंपियंस ट्रॉफी में, आज वो नहीं होगा, उसको पोस्टपोन किया गया है, और ये मुकाबला अब कल खेला जाएगा। तो मैं बता देना, ये मेन अपडेट था। इसके अलावा बांधगाड़ी एफसी को वहां पर क्यों पोस्टपोन किया गया, क्योंकि बांधगाड़ी एफसी का आज मैच माल्टी में सेमीफाइनल है, जिसके चलते कांके चैंपियंस ट्रॉफी में आज माल्टी ग्राउंड जाने के चलते कांके चैंपियंस ट्रॉफी में बांधगाड़ी एफसी शिरकत नहीं करेगी। तो आज वहां पर सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा, टाटा सिल्वे एफसी और अर्पण एफसी चैंपियंस ट्रॉफी में, बस आज एक ही मैच। कल वहां पर 3 मैच खेले जाएंगे। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही सा। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।